इंदौर के छपुर हाईवे पर एक शराबी व्यक्ति ने आधे घंटे तक खूब हंगामा किया। नशे में जोर जोर से चिल्ला रहे इस व्यक्ति को बाद में लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर जबरदस्त जाम लग गया। उदयपुर के मसाज पार्लर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी महिला ने उसके खिलाफ अंबा माता थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के मुताबिक मसाज के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई। हरियाणा के सोनीपत में प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार ने घर के नाबालिग का मर्डर कर दिया और सबूत मिटाने के लिए शव को जला डाला। वारदात गोहाना के गांव महमूदपुर की है। पुलिस ने राख और हड्डियों को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। हैदराबाद के टुंडूर में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची को आरोपी बिस्किट दिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बिहार के गया में 4 साल की एक बच्ची से पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने रेप किया। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी व्यक्ति पीड़ित बच्ची को खेत में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज में रेलवे पटरी पर प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की पीट पीट कर हत्या की गई, फिर शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रेन ड्राइवर ने शव ट्रैक पर देखकर ट्रेन रोकी और इसकी सूचना पुलिस को दी। यूपी के एटा में बाइक सवार दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश उनकी बाइक भी साथ ले गए। हत्या की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश या फिर लूटपाट हो सकती है। बिहार के कैमूर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने हथियारों के दम पर 12.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। नजदीक की दुकानों में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में मोबाइल नंबर पोर्ट कराकर ई बैंकिंग के जरिए खाते से 10 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को जांजगीर जिले के पामगढ़ ब्लॉक से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दिनेश सोनवानी है। उसके पास से 7.5 लाख कैश भी मिले हैं। मथुरा में 5 साल की एक बच्ची को साथ ले जाने की कोशिश कर रहे एक साधु को लोगों ने पकड़ लिया। हनुमान बाबा नाम के इस व्यक्ति की पहले तो लोगों ने बच्चा चोरी के शक में पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी पटना का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि इसका कनेक्शन बच्चा चोर गैंग से हो सकता है।